गुना में सर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि लाडली बहनों को हम 1250 रुपए दे रहे हैं, यदि मैं कांग्रेस से बीजेपी नहीं आता तो ये पूरा पैसा दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की जेब में जाता, गुना में एक सभा में कहा। मैं सोचता हूं कि उनको बताना पड़ेगा कि क्यों कुपोषित है शिवपुर गुना, वहां के बच्चे मातृ मृत्यु दर सबसे ज्यादा क्यों है, वहां चीतों के लिए व्यवस्था हो गई पर इंसानों के लिए क्यों नहीं पानी पीने का, क्या कारण है कि वहाँ के बच्चों को स्कूल नहीं मिला, कॉलेज नहीं मिला, स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिली, इसका उत्तर देना चाहिए। इधर उधर की बात करने से क्या हुआ, आप इतने साल से वहाँ सांसद थे, क्या कारण है कि केपी यादव को हटा के आप राज्यसभा के मेंबर थे, मंत्री थे, सांसद राज्यसभा का है लोकसभा का एक जैसा होता है, आपने राज्यसभा के सांसद होने के बाद लोकसभा के उसी परिवार के व्यक्ति का टिकट कटवा दिया और आप अपने हठधर्मिता के कारण आपने कांग्रेस को भी के साथ जो छल किया, अब बहनों को गुमराह कर रहे हैं। 3000 की बातें कही थी वो दिलवाओ ना, जो शिक्षकों को अतिथि विद्वानों के लिए आपने बात कही थी वो करवाओ, किसानों के ऋण माफी को लेकर आपने सरकार गिराई थी वो करवाओ, उसमें तो कुछ बोलते नहीं।